Everyone, get your English copy. What we are doing? We are doing cursive letters. Cursive letters. So, in cursive letters, I told you in the beginning that while we are writing cursive letters, so we have to make strokes. है ना, कोई भी cursive letter लिखने से पहले आपको हमेशा stroke बनाना है. ठीक है? So everyone, get your English copy and write down today's date 24/1/2022. 24/1/2022. Write down yourself. Do not ask your mama to write it. And Ayana, why your mummy is opening copy for you? Ayana, आप छोटे से बच्चे हो. Come on, do it. You can find out the page, ma'am. Let her do. Let her do, ma'am. करने दीजिए उसे. Why mummy is doing for you, Ayana? You are a big girl now. चलो बच्चों, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट डाउन द डेट फर्स्ट. राइट डाउन द डेट. अगर बच्चों आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो यू आस्क मैम, यू रेज योर हैंड, आई विल टेल यू. है ना, बट डोंट डिपेंड ऑन योर मदर, डू नॉट डिपेंड ऑन योर मामा. अब तो आप बड़े हो गए हो, अब जब बिग एचकेजी क्लास में जाओगे तो आप क्या करोगे, मम्मा को बुलाओगे, मम्मी प्लीज ओपन माई कॉपी, मम्मी प्लीज गिव मी पेंसिल, ऐसे करोगे आप. तो फिर बेटा बी इंडिपेंडेंट, अभी मम्मी पे डिपेंड मत रहिए. यू कैन ओपन द कॉपी. कॉपी ओपन करने में क्या है, पेंसिल लाने में क्या है, है ना. चलो वेरी गुड बच्चों, हमेशा ध्यान रखना, डू योर वर्क योर सेल्फ, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. जब आप छोटे थे तब मामा करते थे, क्योंकि आप स्मॉल थे, अब तो आप बिग हो गए, समझदार हो गए हो. कम ऑन, सो व्हाट वी आर डूइंग कर्सिव लेटर्स. सो इन कर्सिव व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक अ स्टॉप. So let's revise the letters which you had already done. Come on. A. Come on. C. Say with me. Cursive A. Then cursive C. Then D. So make a stroke. Curve, standing line up, standing line down, and curve again. Cursive D. Then after cursive D, cursive E. देखो हम सारे cursive letters बनाने से पहले we are making strokes in that. हम लोग क्या बना रहे हैं, हम लोग strokes बना रहे हैं. Okay? Then after E, G. One curve, stroke. आगे, then again come back on the same line, standing line up, standing line down, curve and slanting line. G. Cursive G. Then after cursive G, देखिए आ जाओ बेटा जल्दी, switch on the camera, Anisha जल्दी आ जाइए, come on. After cursive G, cursive O. So we had completed till here, है ना, we had completed 6 letters in all. So आज हम cursive O के बाद लिखेंगे cursive Q. Cursive Q. Come on everyone. First of all, you see here how to write. Then you start writing in your book. ठीक है? One stroke. आगे ले जाएंगे. Then again come back on the same line. जैसे C बनाते हैं. Make standing line up. Standing line down. इतना तो आपने जैसे जी बनाया था सेम वैसे ही आपको बनाना है. ठीक है, द जी यू हैड मेड ना इन द प्रीवियस क्लास, इन द सेम वे यू हैव टू मेक जी में हम आगे ले जाते हैं. इन दिस वी हैव टू मेक अ स्लैंटिंग लाइन ऑन द बैक साइड. ठीक है, सो इन दिस वे यू हैव टू राइट लेटर क्यू, क्यू क्वा क्वीन. हाउ टू राइट लेटर क्यू, okay, let's see how to write. Always write the cursive letters, start the stroke from the lower blue line. Hamesha jab bhi, whenever we are writing cursive letters na, jab bhi hum cursive letters likhte hain, so we have to start the stroke from the lower blue line. Okay, start a stroke aise, then
जैसे हम सॉन्ग बनाते हैं हमेशा। पुनीत पे अटेंशन, पुनीत पे अटेंशन, यहाँ तो वी हैव टू मेक अ स्ट्रॉक स्टार्ट फ्रॉम द लोअर ब्लू लाइन टिल अपर ब्लू लाइन, फिर आगे कर्व बनाएंगे, अगेन कम बैक ऑन द सेम लाइन, मेक अ सर्कल, मेक अ कर्व, स्टैंडिंग लाइन अप, स्टैंडिंग लाइन डाउन टिल ब्लू लाइन, ब्लू लाइन तक हम लोग स्टैंडिंग लाइन को डाउन करेंगे, देन मेक वन स्लांटिंग लाइन टिल ब्लू लाइन, सिंपल। जैसे आपने लेटर जी बनाया था, इन द सेम वे यू हैव टू मेक, द ओनली डिफरेंस इज दैट जैसे लेटर जी में आप आगे की तरफ कर्व बनाते हैं, इन द क्यू यू हैव टू मेक अ स्लांटिंग लाइन एट द बैक साइड, ठीक है। दिस इज लेटर क्यू, कर्सिव क्यू, कम ऑन, मेक अ स्ट्रोक टिल अपर ब्लू लाइन, आगे ले जाएंगे, देन अगेन कम बैक, मेक अ कर्व, स्टैंडिंग लाइन अप, स्टैंडिंग लाइन डाउन एंड स्लांटिंग लाइन, लेटर क्यू। Stroke, make a curve, slanting line, curve aage, then again come back, make one standing line up, standing line down, and slanting line till the lower blue line. Letter Q. But you always remember that in cursive letters, while we are making cursive letters now, we do not have to pick up the pencil again and again. पेंसिल हमें बार बार नहीं उठानी है, ओके, वी हैव टू राइट इन कंटिन्यूटी। जब हम एक बार पेंसिल को कॉपी पे रखा, देन हमको लेटर उठाकर ही उसे उठाना है, लेटर को लिखकर ही उसे उठाना है, ठीक है, ओके बच्चा, कम ऑन, नाउ मेक अ स्ट्रोक टिल ब्लू लाइन, कर्व आगे ले जाएंगे, देन अगेन कम बैक, मेक अ कर्व, स्टैंडिंग लाइन अप, standing line down and slanting line, letter Q, letter Q, okay, if you are finding, if you are having any kind of difficulty, you kindly ask me anytime, theek hai na bachcho, the title of the Hindi rhyme is rail, the title of the Hindi rhyme is rail. Okay, start. Bandar bola bhalu bhai, aao milkar khele khel, pooch pakad kar peeche bhago, sab chale हमारी रेल, दोनों चुक चुक करते जाएं, पूरा देश घूम कर आए, वेरी गुड, कम ऑन अगेन एवरीवन हैव टू सिंग, चलो बच्चों जल्दी, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड एवरीवन, स्टार्ट। बंदर बोला भालू भाई, आओ मिलकर खेले के, पूछ पकड़ कर पीछे भागो, रिपीट करो बच्चों, सब चले हमारी रेल, दोनों छुक छुक करते जाएं, पूरा देश घूम कर आए, ओके वेरी नाइस, चलो नाउ सिट एंड गेट योर हिंदी कॉपी एंड राइट डाउन टुडेज डेट 24/1/2022।
हम हिंदी में क्या कर रहे थे, हम हिंदी में तीन अक्षर वाले शब्द लिख रहे थे, है ना। शब्द किसे कहते हैं, जब दो या उससे ज्यादा अक्षरों को हम साथ में लिखे और उसका कुछ मतलब निकले, उसका कुछ मीनिंग निकले, तो उसको हम शब्द कहते हैं। तो आज हम क्या लिखेंगे, वी आर गोइंग टू राइट तीन अक्षर वाले शब्द, हम रीड करते जाएंगे और लिखते जाएंगे। यू हैव टू रीड इट एंड राइट, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। नंबर वन, कमन, क मा ल, कमल। कमन बोलो सब, कमल, कमल। रीड रीड एवरीवन, कमल, कमल। रीड एंड राइट, कमल। क म ल, कमल। दिव्यांशी राइट डाउन, देन नंबर टू, म ट र, मटर। मटर, मटर। कम ऑन रीड, म ट र, मटर। म ट र, मटर। रीड करो बच्चों। नाउ नंबर थ्री, रीड। ल ह र, लहर। ल ह र, लहर। ल ह र, लहर। राइट डाउन, ल ह र, लहर। ल ह र, लहर। नंबर फोर, म ह ल, महल। म ह ल, महल। महल, महल। महल, महल। नाउ नंबर फिफ्थ इज, रीड एंड राइट बच्चों। शहद, शहद। रीड, शहद, शहद। राइट डाउन, शहद। नेक्स्ट इज, म ग र, मगर। म ग र, मगर। म ग र, मगर।
मगर मगर कमल मटर लहर महल देन शहद और मगर बोल कर लिखना है तो से एंड राइट से एंड राइट रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ सेवन अच्छा मैम इज राइटिंग हियर बिकॉज आई डोंट हैव स्पेस मैम ने उधर इसलिए लिखा है क्योंकि मैम के पास यहाँ पर स्पेस नहीं है पर आपको आपकी कॉपी में ऐसे नहीं लिखना आप कंटिन्यूटी में लिखना एक के नीचे ठीक है नंबर सेवन इज न य न नयन न य न नयन नयन नाउ नेक्स्ट वन इज कम ऑन रीड सा डा के नीचे डमरू वाला के नीचे जब हम डॉट लगाते हो र बन जाता है सड़क 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 Now number nine is button 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 बोलो लिखो बच्चों बटन बटन नाउ नंबर टेन इज ब त ख बतख ब त ख बतख 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 यस एंड आई से यू मे गो नाउ आफ्टर बतख नंबर 11 इज क कलश 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 सेम राइट कलश कलश नित्या कवर योर माउथ एंड नंबर 12 इज क ल म कलम क ल म कलम चलो विल रीड फ्रॉम द बिगिनिंग कमल कमल मटर मटर लहर लहर महल महल देन शहद शहद मगर मगर रीड करो बच्चों नयन नयन सड़क सड़क
button, button. Then batak, batak. Kalash, kalash. And kalam, kalam. आराम से बोलिए और लिखिए, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है? आराम से करिए. देशिया, why are you crying बेटा?